तो मेरा नन्हा डायनासोर है अपने पापा को बुला रहा है, सुन लिया मैंने? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? क्या बात है, बताओ मुझे क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ, पापा आ गए हैं। आओ पापा के पास, पापा के पास आओ, आओ मेरे बच्चे आओ। हाँ, मेरा थेरी जिनोसोरस मुझे ही बुला रहा है। सोरस को पालकर बड़ा किया है, कितना सुंदर बच्चा है। ये तो आप पहले बता चुके हैं ना। हाँ, वो कहानी पैकी सेफलो और पता नहीं किसकी। और आपने देखा कि वो आपको देखना भी नहीं चाहता है। वो इसके जैसा नहीं था। अब मुझे भी लग रहा है कि मेरे प्यार ने पैकी सेफलोसोरस को बिगाड़ दिया था। तुम्हें अपने पापा याद है ना मेरे बच्चे? पर अब मैंने अपने थेरिजिनोसोरस को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में पाला है। मैंने उस रात ट्रेनिंग देकर ऐसा डायनासोर बनाया है कि उसके जैसा कोई नहीं। अब देखना है कि उसे मेरी कितनी बातें याद हैं। मेरा बच्चा रो रहा है और तुम लोग यहाँ खराटे ले रहे हो। तुम तीनों जाओ और उसकी मदद करो। अगर कोई गड़बड़ की तो याद रखना, जाओ जल्दी। पास पहुंचते ही वहां पर रेनबो के रंग देखो। ठीक है, रेनबो के रंग देखो। शहर में फॉसिल की खोज शुरू करते हैं। मुझे ऐसा ही होमवर्क पसंद है। अब चलो भी, ये मत कहना कि तुम थक गए हो। अभी तो हमने शुरुआत की है और तुम इतनी जल्दी थक गए। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है मैक्स। चलो नए शॉपिंग टावर में चलते हैं, वो एयर कंडीशन्ड है, मजा आएगा। सही कहा, फॉसिल भी वहीं ढूंढेंगे और खाना भी वहीं खाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है, देखो ना यहाँ कितनी सुंदर चीजें हैं। चलो गाइस, चलो। हाँ आ रही हूँ। मैंने इतनी सारी दुकानें एक साथ कभी नहीं देखी। हे, चलो ना पहले एक एक आइसक्रीम खा लेते हैं। हाँ चलो खाते हैं। जरा रुको, हमारे होमवर्क का क्या होगा? पहले फॉसिल्स को ढूंढ लेते हैं, फिर तुम दोनों को जो भी करना है वो करो, वरना हमें बहुत मुसीबत होगी। ठीक है, बात तो सही है, चलो ढूंढना शुरू करते हैं। ये देखो एक बेलनाइट, पर बहुत छोटा है। ये भी कई परिवार के होते हैं। अरे ये देखो, क्या ये किसी एमेनाइट का एक टुकड़ा है? लग तो रहा है।
मुझे नहीं लगता कि इनसे हमारा काम बनने वाला है। मुझे भी नहीं। अगर ध्यान से ढूंढे तो इनके जैसे फॉसिल्स तो हमें शहर की हर दीवार पर मिल जाएंगे। तो फिर बताओ ना कि हमें सबसे अलग वाले कहाँ मिलेंगे। कहीं पर भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो चलो अलग अलग ढूंढते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फॉसिल ही है या पुराना गम? इन्हें लग रहा होगा कि मेरा दिमाग हिल गया है। अगर मैं गिरी तो मेरा काम तमाम। ओह, च्युइंग गम। यप। बैरिस कहाँ जा रही हो? इतनी देर में हवा ढीली हो गई। दोस्तों अभी तक हमें काम के लायक एक फॉसिल भी नहीं मिला। वो बिल्डिंग शायद किसी और पत्थर से बनी है, वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। अरे सुनो, डॉक्टर जी ने यही जगह बताई थी ना, यहाँ तो कोई डायनासोर नहीं है। मैं गर्मी से पक रही हूँ। और यहाँ रेनबो के रंग भी नहीं है, उनका मतलब मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है डॉक्टर जी को जगह का सही अंदाजा नहीं मिला है। वो कभी गलती से हमें किसी स्पा या रिसोर्ट में क्यों नहीं भेज देते? चलो अब आए हैं तो थोड़ा सा एंजॉय कर लें। कैसे? चलो हम टॉप फ्लोर की उस ऑब्जर्वेटरी में चलते हैं। एयर कंडीशन होगा, नाश्ता भी मिलेगा। तुमने सही कहा था जोई, ये लाइमस्टोन की बनी है और यहाँ एक क्लासिक अंकलाइट है। और वो देखो उस ब्लॉक में वो एक बाईवाल्व लग रहा है। यहाँ मजा आएगा, यहाँ हम में से किसी को कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। हाँ, अपनी आंखें खुली रखना। यहाँ से हट जाइए, ये जगह खाली कीजिए। हे रुको। क्या हुआ? मुझे लगा मुझे कुछ दिखा। कुछ नहीं है। डायनासोरस, उसकी पहचान है उसके बड़े बड़े पंजे। इतना चमक रहा है, ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता। हमने पहले भी ऐसा देखा था ना, वो डॉक्टर का पैकेसिफिलोसॉरस। बिल्कुल। हाँ? इस टेरिजिनोसॉरस को भी मैंने बनाया है। आ गए डॉक्टर। बीती कुछ ज्यादा ही तेज है ना, मैं जानता था कि ये काम अरसला और उसके जमुरे नहीं कर पाएंगे। जब वो मेरे सामने है तो याद दिलाना कि उनकी खबर लेनी है। हेलो, तेरे दिनों सोरस, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अपने पापा को बहुत मिस कर रहे थे ना। ये तो हमला कर रहा है। मेरे पास आओ बेटे, पापा के पास, मैं यहाँ हूँ। तुम मुझे भूले तो नहीं ना, याद है ना हम साथ में कितनी मस्ती करते थे। जाओ और तेज, अबे चलना। क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर, लगता है बात बिगड़ गई है। नहीं बिगड़ी है। कहाँ जा रहे हो? वो जा रहा है। रुक जाओ। हे वहाँ देखो। ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने सेट और डॉक्टर जी है? क्योंकि वो डॉक्टर जी ही है। यहाँ से आवाज बाहर तो नहीं जाती होगी ना? मैं अभी उनकी आवाज सुनना भी नहीं चाहती। मैं हाजिर हूँ इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। खबर मिली है कि टोक्यो की सड़कों पर एक भयानक जीव ने हंगामा मचा रखा है। कुछ गवाहों का कहना है कि वो बड़े बड़े पंजों वाला एक डायनासोर है। पुलिस ने लोगों को सड़क पर न जाने की सलाह दी है। ये वक्त घबराने का नहीं है।
डायनासोर जैसे जीव ने कई इमारतों को गिरा डाला है और शहर में काफी नुकसान किया है, लेकिन इस बात का पता नहीं चला है कि वो है कहाँ पर। वो कहाँ चला गया? हाँ वो रहा, उसे देख नहीं पा रहा, रोशनी बहुत तेज है। मेरे अच्छे बच्चे, अपने पापा से दूर क्यों जा रहे हो? अपने पापा को भी नहीं पहचानते? बता दो कि तुम मेरे हो, मुझसे आज भी प्यार करते हो। डॉक्टर सी वो नहीं मानेगा। मेरी मेहनत का ये फल दे रहे हो, मगर मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। जाने दीजिए। तुम मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाते? मैं इस डायनासोर को एनालाइज कर सकता हूँ। हाँ, मैं इसकी कमजोरी का पता लगाता हूँ। हाँ, ये हमारी उम्मीद से ज्यादा पावरफुल है। हे, तुम उस बेचारे को परेशान क्यों कर रहे हो? दिखता नहीं कि वो आपसे डर रहा है? वो बेचारा तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मगर ये मुझसे क्यों डरने लगा? मैंने क्या किया है? तुम एक बार नहीं कह सकते थे क्या? वो तो मैं तुम्हें सिर्फ तमीज सिखाने के लिए कह रहा था। ये क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि ज्यादा दूध मत पिया करो। आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा पेट खराब हो। मैं शायद प्यार में कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा था। यहाँ तो सच मुझे एक डायनासोर है। डॉक्टर सी की बात और उनका सपना दोनों पूरा हो गया, लेकिन लगता नहीं कि उनका मिलना खुशियों भरा है। चलो चले। बच्चे को मारोगे क्यों? तेरी जीरो सोरस अपने पापा से मिलने आ रहा था। उसने कायरोक्लॉ से हमला किया है। इसमें तो बहुत ताकत है। कोई भी मेरे थेरी डायनासोरस के करीब नहीं जाएगा। मैं अभी उस टेलीविजन स्टेशन के बाहर हूँ जहाँ वो डायनासोर नजर आया है। वो इसी बिल्डिंग की छत पर है। अरे नहीं! देखो कैसे ऊपर जा रहा है। ओए, चुप! नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर वो गिरे तो बच नहीं पाएंगे। हमें उनकी मदद करनी होगी। हाँ, माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की मेरे बच्चे, मगर वादा करता हूँ अब वैसा कभी नहीं करूँगा। कभी नहीं। उसके करीब जाना खतरनाक है डॉक्टर। माफी तो मांग ली, अब और क्या करो? ऐसा लग रहा है कि अब सख्ती तो करनी ही पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो पहले से काफी गुस्से में है। मैं उसे इसलिए गिरा रहा था कि वो फिर से कार्ड बन जाए। हो सकता है, मगर ये भी हो सकता है डॉक्टर कि वो मारा जाए। मुझे ऐसा लगा था। समझ में नहीं आता कि मेरा बच्चा कैसे मानेगा। चलिए हम उसे ले आते हैं। देखो ये रहा। अब हमें क्या करना है? चलो उनके पीछे चलते हैं। हम बहुत करीब है सेठ, थोड़ा ऊपर लो। ठीक है। रुक जाओ, मैं रुकूं, उसे छोड़ना मत। चलो फिर। डायनो स्लैश, डायनोसॉरस हल्ला बोल। Pagkaroon, chum!
जाओ अपना कमाल दिखाओ चोर। डायनो स्लैश ट्राइसेराटॉप्स हमला करो। क्या है? पता नहीं, शायद एक नया मूव है। सुपर टॉप सीक्रेट डायनासोर, लेकिन अब चुपचाप अपने पापा की बात सुन लो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे साथ वापस चलो, ठीक है? अगर तुम शरारत नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलूंगा। याद है तुम्हें, तुम रोज ट्रेनिंग के बाद वही खेलते थे। मैं पीछे मुड़कर भागता था और तुम मुझे पकड़ते थे इस तरह। चोर तुम बने, चोर तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते। याद है ना हम साथ में कितनी मस्ती करते थे? आओ एक बार अपने पापा के गले लग जाओ मेरे बच्चे। अब इसे याद आ रहा है। डॉक्टर, आपके वजन से वो गिर रहा है। क्या ऊपर खींच लो। ध्यान रखना, मेरे इस गुस्सेल नाराज डायनासोर को कुछ नहीं होना चाहिए। बचाओ। आ रहा हूँ डॉक्टर। जल्दी आओ वरना मुझे कौन बचाएगा। चॉम की एनर्जी कम हो रही है, वो भी गिरने वाला है। चॉम चलो नीचे चलते हैं। तुमने मेरी जान बचा ली मेरे बच्चे, तुम मुझे नहीं भूले हो। मैं आ गया डॉक्टर। मेरा थेरी डायनासोरस कहाँ है? तुम्हारी मदद चाहिए होगी, मुझे चॉम का कार्ड ढूंढना है। हे क्या हुआ, कुछ देखा तुमने जोई? हाँ देखो ना वहाँ एक बड़ा सा फॉसिल है। वाह, ये हमारे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ सच में बहुत अच्छा है। Yes, मुझे चॉम का कार्ड मिल गया। और गैरी डायनासोरस का भी। अगली बार मुझे वैसे मत बचाना। हमें खुशी है कि आप बच गए। हमें लगा था आप तो टपक गए। मारा जाता तुम तीनों की वजह से। हम तो मदद कर रहे थे। हाँ और की भी थी, हम लोग एक ऐसा प्लान बना रहे थे जिससे आपको पलक झपकने से पहले ही बचा सकते थे। झपकती पलक की कसम। ठीक है, अब मैं और सैद तुम्हें वो देंगे जिसके तुम हकदार हो। अच्छी लगता है आप हमें टोस्ट खिलाने वाले हैं। सिर्फ उससे पेट भर जाएगा। आपने तो हमें टोस्ट बना दिया। हालांकि उस जीव ने शहर में काफी तबाही मचाई है, मगर अभी तक उसका पता नहीं मिला है। कोई दावे से नहीं कह पा रहा है कि वो आखिर था क्या। क्या बात है, तुम लोगों ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत की है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स डैड। आप जानते हैं ये फॉसिल किसका है? ये टिरानोसॉरस या अल्बोसॉरस के परिवार के किसी डायनासोर का है। हो सकता है ये एक डायनासोरस हो। हाँ? बात में दम तो है, वो आज वहाँ नजर भी आया था। हाँ वो बड़ा ही दमदार डायनासोर था। हाँ बड़ा दमदार, पता है हमारे तीनों डायनासोर मिलकर भी उसके क्लॉ अटैक के सामने नहीं टिक पा रहे थे। किसी को गलत तरीकों से ताकतवर बनाना बहुत ही खतरनाक और नासमझी वाली बात है।
हाँ, उसके डायनासोर ने एक काम बहुत अच्छा किया, उस सन की साइंटिस्ट की हवा निकाल दी। ये बात तो सही कही। मेरा बच्चा, एक दिन हम फिर से एक साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह है। वो डी टीम, वो तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती मेरे बच्चे। इस नए थेरिजिनोसॉरस कार के साथ हमारे पास अब तो 20 डायनासोर कार्स हो गए हैं, मगर जानते हो ना, हमें भी कई और कार्स जमा करने हैं। In the present, time to twist it upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny. Yeah. Come on, make your move.